गामा डीके में इन ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियॉन्स ऑक्यूपाई सच क्वांटम स्टेट्स विच मिनिमाइज टोटल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। वो कह रहा है जी जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूक्लियॉन्स की एनर्जी होती है और वो एनर्जी मिनिमम से मिनिमम होती है ताकि न्यूक्लियस स्टेबल रहे। वैसे भी हर कोई चाहे न्यूक्लियॉन है चाहे इलेक्ट्रॉन है अपनी एनर्जी को मिनिमाइज ही रखता है ताकि वो स्टेबिलिटी में रहे, ऐसा होता है। अब वो कह रहे हैं हाउ एवर हायर एनर्जी स्टेट्स आर ऑल्सो अवेलेबल टू न्यूक्लियॉन्स एंड इफ अप्रोप्रिएट एनर्जी सप्लाइड न्यूक्लियस में बी एक्साइटेड एट हायर एनर्जीज। वो कह रहे हैं जैसे इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होती है ऐसी न्यूक्लियॉन्स की भी एक्साइटेशन हो सकती है, पर आपने ऐसी कभी देखी नहीं होगी, कभी केमिस्ट्री में किया तो नहीं, न्यूक्लियॉन नहीं किया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना तो बहुत आसान है, अब 2 वोल्ट 4 वोल्ट पोटेंशियल दोगे ना तो फटाफट एक्साइट हो जाएगा। न्यूक्लियॉन्स को एक्साइट करने में बहुत 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 ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए जो देनी बहुत मुश्किल है। कितनी चाहिए? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में चाहिए, 10^6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की फॉर्म में, जो कि बहुत मुश्किल है। तो न्यूक्लियॉन्स को एक्साइट करना आसान नहीं है, राइट? पर लेकिन वो एक्साइट हो सकते हैं। अब एक्साइट कैसे होते हैं? जब एक रेडियो एक्टिविटी होती है और एक बड़ा न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियस में, 2 न्यूक्लियस में टूटता है, वो जो छोटे न्यूक्लियस निकलते हैं ना वो ऑटोमेटिकली एक्साइटेड स्टेट में निकलते हैं। मतलब उनके पास जो न्यूक्लियॉन्स की एनर्जी है ऑलरेडी किस में होती है, वो कभी कभी एक्साइटेड में निकलती है, उसमें आपने कुछ नहीं करना। जब वो टूटता है, जब एक बड़ा न्यूक्लियस टूट के 2 छोटे न्यूक्लियस बनाता है, तो उसके अंदर जो 2 न्यूक्लियस हैं उसके अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो बाय डिफॉल्ट किस में होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। अब उनको कहाँ आना है, नीचे एनर्जी पे आना है ताकि वो स्टेबल बने, क्योंकि न्यूक्लियस स्टेबल बनना चाहता है, हायर एनर्जी पे रहेगा स्टेबल नहीं रहेगा। तो वो क्या करेगा, जब वो नीचे आएगा तो अपने अंदर से क्या निकालेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालता है। तो ये देखो, तो वो यही कह रहा है कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में वैसे तो एनर्जी चाहिए और हीट या वोल्ट से ऐसे पॉसिबल नहीं है। हाउएवर अल्फा या बीटा डीके टेक्स प्लेस डॉटर न्यूक्लियस इज जनरली फॉर्म्ड इन वन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट। वगैरह जब अल्फा डीके होता है या बीटा डीके होता है ना, यानी रेडियो एक्टिविटी होती है जिसमें अल्फा या बीटा डीके और 2 न्यूक्लियस निकलते हैं, तो न्यूक्लियस ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में होता है। तो सच न्यूक्लियस इन एक्साइटेड स्टेट इवेंचुअली कम्स टू इट्स ग्राउंड स्टेट बाय एमिटिंग, क्या एमिटिंग, फोटोन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो कह रहे हैं वो एक्साइटेड स्टेट से नीचे उतरने के लिए क्या निकालता है, फोटोन्स बाहर निकालता है, और वो फोटोन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, ईएम वेव्स हैं, और कौन सी, गामा रेस। तो हमने किया था ना, ईएम वेव्स होती है गामा रेस, तो गामा रेस ऐसे निकलती है, रेडियो एक्टिविटी से निकल आती है, ठीक। तो जो गामा रेज है उनका लैम्डा क्या होता है, एच सी बाई ई, और जो गामा रेज है जिसमें जो दिस प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियस कमिंग डाउन टू लोअर एनर्जी लेवल, तो इसको क्या बोलते हैं, कौन सा डीके हो गया, गामा डीके हो गया। क्लियर है यहाँ तक?